हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये एक सिस्टर का एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। मैं सो गई थी, पता है, एंजल्स वाला एक उठो कि मैसेज रिकॉर्ड कर लो, फिर से सो जाना, अनोइंग। एनीवेज, एक जेलिस सिस्टर का एनर्जीज मैं ज़बरदस्त तरीके से रिसीव कर रही थी। एंड टू सम एक्सटेंट ये आपकी बहन हो सकती है जेनेटियन, एंड मुझे थोड़ा सा उसके लिए ना बुरा भी लग रहा था, बिकॉज शी इज़ सफरिंग लाइक रियली बैड। ठीक है ना, इट्स मोर लाइक सिबलिंग राइवलरी होता है ना, आप दोनों के बीच में हमेशा से राइवलरी रहा है। इट्स लाइक वो हमेशा से आपके साथ कम्पीट करती आई है। एंड आई रियली वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्यों एक बहन अपनी दूसरी बहन से या अपने भाई से इसे कम्पीट करनी जाएगा, लाइक वाई। ठीक है, तो कुछ स्टोरी लाइन्स मुझे मिली है। जितना रेजनेट करता है लोग, जितना नहीं करता है जाने दो, ठीक है। और लास्ट में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मैसेजेस भी पुल करने की कोशिश करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई आस्क कि आपके बहन का क्या सीन है, लाइक हु इज शी, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज। मुझे डायरेक्टली नाइन ऑफ पेंटिकल्स दिखा, आई वाज लाइक शी इज़ प्रिविलेज लेडी, प्रॉब्ली आपसे ज़्यादा पैसा कमाती है, सारे कार्मिक्स उसके साथ दे रही है, देन वाई शी स्टिल जेलस ऑफ यू, लाइक उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसके लिए कुछ भी इनफ क्यों नहीं होता है। आई हर्ड दैट उसने लाइफ में बहुत रिजेक्शन झेले, ठीक है, कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक बंदा रहा है उसके लाइफ में, ठीक है, ये जिसे उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ अ क्लियर एनर्जी जिसने उसका दिल तोड़ा, ठीक है। एंड उसे तो थप्पड़ लगाने की जगह आपकी सिस्टर उसी की तरह प्लेयर बन गई, एंड शी स्टार्टेड बिहेविंग विथ एवरीबडी, जो बिहेवियर उसे इस पर्टिकुलर पर्सन से मिला। यू नो, मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि नफ़रत ना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि हम जिससे नफ़रत करते एक दिन हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। सो इट्स लाइक योर सिस्टर इज़ वेरी इमोशनली वीक, उन्हें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें लगता है कि अगर अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखूँ ना तो इट्स बीइंग स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग। उसका एक्सप्रेस ना करना, अपने आप को हील ना करना, सही समय पे अपने लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है, इट हैज़ मेस्ड हर अप रियली बैड, ठीक है ना। आई लिटरली हर्ड कि इस बंदे ने उसका तमाशा बना दिया, गॉसिप बना दिया, एंड एवरी दे ट्राई टू मेक हर लुक द बैड पर्सन। प्रॉब्ली आपकी नज़रों में भी, आपको भी शायद लगा होगा कि यू नो आपकी बहन की गलती है, बट देन ये बंदा गेम खेल रहा था, एंड शी बिकेम वेरी ऑफेंडेड। इसके बाद आई रियली वॉन्टेड टू आस्क कि वो आपसे इतना नाराज़ क्यों है। इट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट कंपेरिजन। इट्स लाइक जो लोग यू नो, वो लोग नहीं होते जो बाहर से उठ कर के आते, चाहे वो आपका सेकंड फैमिली क्यों ना हो, मुंह उठा के आते हैं और दो भाई बहनों के बीच में यू नो बकवास करके, कंपेयर करके दोनों के बीच में इंडिफरेंस क्रिएट कर देता है। ऐसे लोगों को ना घर से लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, लाइक हाउ डे यू कम एंड कंपेयर मी विथ माई सिबलिंग्स। देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब कोई कहेगा कि आप आपकी बहन की तरह हो या भाई की तरह हो, वो खुशी खुशी देख रहे हैं कि हाँ आई एम इंस्पायर्ड विद दैट पर्सन, तो उन्हें कोई कंपेयर नहीं कर पाता, बिकॉज उनका रिलेशनशिप इज़ वेरी लविंग एंड वेरी एक्सेप्टिंग। दीज आर
पीपल जो अपने आप पे सिक्योर है, बट आपकी सिस्टर अपने आप में सिक्योर नहीं थी, शी हैड इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ उल्टा काम कर गया, एंड उन लोगों को चुप कराने की जगह वो आपको अपना लाइफ का विलन मानने लगे कि अगर आप नहीं होते तो तुम्हें कोई कंपेरिजन नहीं होता और वो सबसे बेस्ट होती। प्रॉब्ली आई हर्ड कि शायद वो आपका हिस्से का प्रॉपर्टी भी लेने की कोशिश कर चुकी है, या फिर आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी बेदखल कर दिया गया था, या समथिंग दैट इज़ वेरी पार्शियल दैट दिस पर्सन हैज़ डन। इसके बाद आई रिसीव द एनर्जी ऑफ गिल्ट। इट्स लाइक आपकी बहन आपसे प्यार करती है बट अपने लालच से और अपने टॉक्सिक बिहेवियर से वो उभर भी नहीं पा रही। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि जा कर के उसे गले लगा लूँ, बिकॉज उसे लिटरली रिडेम्पशन की ज़रूरत है, उसे डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके, इस जलन और कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से उभर पाए। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, उसे अपना इनर वर्क करना होगा, जिससे वो हमेशा से प्रॉब्लम भागती आई है। शी डजंट वांट टू सी द एरर्स इन हर वेज, बट अभी उसे फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्मा मिल रहा, टू द पॉइंट आई एम लिटरली सीइंग दिस गिल्ट कार्ड। इट्स लाइक उसे पता है कि उसने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने आपको उन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जो आपने किया ही नहीं है। आप तो डिसाइड नहीं कर सकते हो ना कि आप कैसे दिखोगे या आप में क्या टैलेंट्स होगे एंड ऑल, वो ईश्वर का दिया हुआ है, राइट? बट द फैक्ट कि लोगों ने हमेशा उसे आपके साथ कंपेयर किया, एंड इट्स नॉट अ गुड कंपैरिजन, इट्स नॉट अ गुड कंपैरिजन, इट्स अ बैड कंपैरिजन। लिटरली लोगों ने उसे नीचा दिखाने के लिए कंपेयर किया। प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स, अगर आप लोग नार्सिसिस्टिक डायनामिक में ग्रो अप आपने किया है, तो प्रॉब्ली आप दोनों के बीच में क्लैशेस आपके पेरेंट्स ने ही लगाए, लुक्स को लेकर के, कलर को लेकर के, कपड़े को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, एडुकेशन को लेकर के, हर चीज़ में दे कंपेयर यू। आपको अप्रिशिएट एज यू नो यंगर सिस्टर या एल्डर सिस्टर, आपको अप्रिशिएट करने की जगह कि यस माय सिस्टर या माय ब्रदर इज़ अमेजिंग पर्सन, वो एक्चुअली आपसे जलने लगी, आपसे परेशान होने लगी, और अपने इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करने की जगह, अपने आप में सिक्योर होने की जगह, अपने पेन को एक्सप्रेस करके उसे हील करने की जगह, वो आपको अपने लाइफ का विलन बना ली। एंड फ्रॉम दैट स्टैंडपॉइंट शी एक्चुअली स्टार्टेड मिसबिहेविंग यू, टू द पॉइंट कि प्रॉब्ली उन्होंने आपका जीना हराम कर दिया होगा। इट डजंट मेक सेंस, उसने आपको उन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जो आपने करा भी नहीं। शी जस्ट फंक्शन फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट, एंड दिस पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड ऑफ हर्स जो उसका रह चुका है और जिसने उसे स्पॉइल किया था, इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी बहन की ही गलती है। टू बी ऑनेस्ट, वो चाहती तो उस बंदे को घुमा के दो थप्पड़ लगा सकती थी, सेइंग कि हाउ डे यू प्ले गेम्स विद मी, बट द फैक्ट कि उसे कभी प्रॉपरली वो सपोर्ट नहीं मिला और एकदम से सब उसके अगेंस्ट हो गए होंगे, सब उसी पर उंगली उठा रहे थे कि प्रॉब्ली बिकॉज वो लड़की है, एंड वो अपने लिए प्रॉपरली स्टैंड नहीं ले पाई, एंड वो बहुत बड़ा एक घाव उसके अंदर रह गया। एंड उसके बाद शी काइंड ऑफ बिकेम लिटिल प्लेयर, एंड वो प्यार को अपने आप से थोड़ा सा दूर रखने लगे। लाइक शी वॉन्ट्स टू बी इन लव, शी प्रॉब्ली इज़ इन लव विद समबडी, बट वो कभी प्यार को बढ़ावा नहीं देती। प्रॉब्ली शी डजंट वॉन्ट टू बी विद द पर्सन शी इज़ इन लव विद। वो हर एक चीज़ को, हर अलग चीज़ों को अहमियत देती है, पैसा एंड घर एंड ये सारी चीज़ों में वो इतना ज़्यादा उलझ गई है, इतना ज़्यादा वो हर्ट हो चुकी है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, बिकॉज शी इज़ फीलिंग गिल्टी फॉर वॉट एवर शी इज़ डन अगेंस्ट यू एज वेल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनोसेंट हो एंड आपकी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं हुई होगी, आपने कुछ यू नो रिएक्शंस नहीं दिए होंगे, बट दिस इज़ अ वेरी डीप काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर उसके डीप वूंडिंग एड्रेस नहीं हुआ है।
आई डोंट फील कि आप लोग एक घर में रहते हो, प्रॉब्ली आपकी अलग अलग शादी हो गई है, लाइक यू आर फ्रॉम टू सेपरेट सिटी स्टेट्स राइट नाउ, कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ शायद। अगर कभी बात हो पाए तो उन्हें उसे रिमाइंड ज़रूर कराना कि उसका चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड जो है उसके वजह से वो अपने आप को प्यार से दूर ना रखे, लाइक पैसे के लिए शादी ना करे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस ना दे, एंड शी नीड्स टू चूज लव एंड शी नीड्स टू हील, बिकॉज वो सारा सिचुएशन उसे अंदर से यू नो और टॉक्सिफाई कर रहा है। एंड अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, आई एम गिविंग यू अ सोल्यूशन, एक चिट्ठी टाइप लिखो। अगर चिट्ठी सेंड नहीं कर सकते उसके एड्रेस पे, अगर सेंड नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि कोई और पढ़ लेगा, नो इट्स टू पर्सनल और समथिंग, अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप उससे बात कर सको, वो सिचुएशन नहीं है, तो चिट्ठी लिखो। एंड जैसे हम हीलिंग करते हैं ना, रिलीज वर्क करते हैं, वैसे कैंडल में उसे जलाओ एंड प्रे कि समहाउ ये मैसेज उन तक पहुँच जाए, और उसे सपने के ज़रिए या किसी और तरीके से उसे रियलाइज़ हो कि उसे हीलिंग की ज़रूरत है। एंड जस्ट बिकॉज उस एक बंदे ने उसके साथ गलत किया है, एंड प्रॉब्ली शायद आप भी उसे उसका साथ देने से यू नो आप चूक गए या समथिंग, समवे यू फेल्ड एज वेल, एंड उसे समझने में, उसे एम्ब्रेस करने में जब उसे ज़रूरत थी या समथिंग, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। एंड उसके बाद से शी काइंड ऑफ चेंज्ड बिकॉज शी इज़ हर्ट, और आज भी कहीं ना कहीं वो उस एज में अटकी हुई है एंड इट्स स्टिल हर्टिंग हर, शी नीड्स टू एड्रेस इट, शी नीड्स टू हील दैट पार्ट। एंड द फैक्ट कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का विलेन मान चुके, दैट काइंड ऑफ इज रियली आई लाइक माय बॉय। वो अपना सारा गुस्सा लिटरली आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है कि सब आपकी वजह से हुआ है, अगर ये नहीं होती तो मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एंड प्रॉब्ली इसलिए उसने काफ़ी सारे लोगों का आपके खिलाफ भी किया होगा, एक सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतार रहा है। बट शी नीड्स टू रिलीज दिस, शी नीड्स टू हील फ्रॉम दिस। वो कहती होगी क्या मैं भूल गई एंड ऑल दैट सब, इट डजंट मैटर टू मी। नो, अगर वो भूल चुकी होती तो उसकी लाइफ इतनी टॉक्सिक नहीं होती, क्योंकि इन्हीं वूंडिंग्स की वजह से, इन्हीं चाइल्डहुड वूंडिंग्स की वजह से, बिकॉज आई डोंट फील कि आपकी बहन 18 साल की भी होगी जब ऐसा कोई इंसिडेंट उसके साथ हुआ है। प्रॉब्ली हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स नहीं होते, वो किसी को पसंद की थी एंड एकदम से इट काइंड ऑफ ब्लू अप इन अ बिग स्केल एंड एवरीथिंग बिकेम रियली अगली एंड स्टफ, टीचर्स इन्वॉल्व हो गए एंड ऑल दैट स्टफ। सो शायद उसने कुछ पढ़ा, कुछ किया भी नहीं होगा, एवरीथिंग जस्ट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। सो उस वो कहती होगी कि वो इन सारी चीज़ों को भूल गई, बट एक्चुअली वो सबकॉन्शियसली उसे अभी भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उस एक इंसिडेंट के चलते, एंड प्रॉब्ली बिकॉज शी फील्स कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उन्हें नहीं समझ सकते एंड ऑल दैट स्टफ, इसलिए वो अपनी लाइफ से प्यार को धकेल रही है। I'm hearing you are the chosen one of your family, ठीक है, and आपकी energy has been very light, ठीक है। आप अपनी अगर family dynamics को आप heal कर रहे हो तो ये एक issue है जो आपको head on address करना होगा, because ये एक इमीडिएट इशू है जो मुझे नींद से उठा करके मुझे डिलीवर करने के लिए कहा गया। सो इसे एड्रेस ज़रूर से करना है। आई हियरिंग कि आपके घर के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो आपसे बहुत इंस्पायर है। न्यू जनरेशन जो है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहनों के बच्चे हो सकते हैं, बट दे आर इंस्पायर्ड बाई यू, बिकॉज यू नो जो नए जनरेशन है ना, वो यूनिवर्स के साथ ज़्यादा अलाइंड है। जो बच्चे होते हैं वो जल्दी ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो ज़्यादा अलाइंड होते हैं। स्ट्रगल जो अडल्ट हो गए वो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ट्रांसफॉर्म एल्डर्स लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है बिकॉज दे बिकम लाइक पत्थर की तरह, बट बच्चे ना मोरपंख की तरह होता है, सो दे ट्रांसफॉर्म फास्ट। एंड जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं ना, वी वॉन्ट द न्यू अर्थ एंड एवरीथिंग, वो भी चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो
दे आर फीलिंग वेरी इंक्लाइंड, उनका जो झुकाव है ना वो आपकी तरफ है बिकॉज यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, और उन्हें भी आपके पीछे पीछे आना है। आई एम हियरिंग कि लोग सवाल पूछ रहे कि आप इतना अलग क्यों हो, प्रॉब्ली आपका जो फैमिली डायनामिक है इट्स वेरी रिलीजियस, कुछ प्रॉपर रिचुअल्स वगैरह करते होंगे एंड आप उनका हिस्सा नहीं हो, आप प्रॉब्ली फैमिली गैदरिंग में नहीं जाते, अलग रहते हो, चुपचाप रहते हो, किसी के साथ मिक्स नहीं करते हो, यू बिहेव वेरी डिफरेंट और लोग भी आपको हर चीज़ में इंक्लूड नहीं करते, तो उनका ये जो बिहेवियर है ना आपके तरफ या फिर आपका जो बिहेवियर है अपनी फैमिली की तरफ, ये जो छोटे बच्चे हैं ना वो एक्चुअली इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, सेइंग कि वो इतनी अलग क्यों है, उन्होंने रिलीजन क्यों छोड़ दिया, वो स्पिरिचुअल पाथ पे क्यों है, उन्होंने ये क्यों चुना। दे आर आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज दे फील दैट लव, बिकॉज आप प्यार के वाइब्रेशन में वाइब कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, दे आर फीलिंग मोर अलाइंड टू यू क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हो और वो भी अलाइंड हो रहे, ठीक है ना। सो दे आर फीलिंग मोर, दे कैन रिलेट टू यू मोर, वो आई एम हियरिंग कि आप जब बात करते हो ना आपके मुंह से विजडम, यू आर अ वाइज पर्सन, आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती है जिससे वो रिलेट कर सकते, इट्स वेरी मच वो अंडरस्टैंड कर सकते, दे आर फाइंडिंग लॉजिक इन टू इट कि हाँ यार दिस इज़ इट, यही तो फैक्ट है बिकॉज दे आर अलाइंड एज वेल राइट, उनमें अवेकनिंग की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। सो उनके अंदर ये सवाल उठ रहा है कि आप इतना डिफरेंट क्यों, एंड दे आर वेरी इंस्पायर्ड बाई यू, सेइंग कि शी मेक्स मोर सेंस और ही मेक्स मोर सेंस, वो ज़्यादा यू नो सही लगता है मुझे बिकॉज मैं रिलेट कर सकती हूँ या मैं रिलेट कर सकता हूँ उसके कहने से। एंड आप नोटिस करोगे कि जिन प्रॉब्लम से आप गुजर चुके हो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका बेबी वर्जन उनमें है, लाइक उन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं, एंड क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप उन कर्सेस को ब्रेक कर रहे हो, फैमिली पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो, आपका देखा देखी वो भी उन पैटर्न्स को ब्रेक कर पा रहे, अपने लिमिटेशंस को ब्रेक कर पा रहे, एंड इसीलिए आपकी तरफ उनका खिंचाव इतना ज़्यादा है क्योंकि वो भी तंग आ चुके हैं, उनका उम्र कम हो सकता है बट दे आर स्पिरिचुअली मोर अलाइंड, ठीक है, दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द पागलपंथी एंड झूठ फसाड एंड ऑल दैट स्टफ, दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल, उनकी जो सोल है ना इनमें से कुछ बच्चे एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स है जो रिकार्नेट किया है, ठीक है, दे आर वेरी वाइज सोल, उनके उम्र में मत जाओ, दे प्रॉब्ली आर वेरी ओल्ड सोल्स, आपके उनमें से एक दो शायद आपका सोलमेट भी हो सकता, ठीक है, बट being the chosen one of your family it means पहले आप सारे toxicity को break करोगे और आपका देखा देखी आपके family के बाकी members जो evolution को चुनेंगे, जो वो call receive करेंगे वो आपके पीछे पीछे आएंगे, you know, सीखते हुए they will be breaking their limitations as well higher level पे आने के लिए। so these youngsters are very much drawn towards you, they see you as the idol, I'm hearing they follow you, they listen to you, उन्हें समझ में आता है कि where you are coming from, आप इतना wisdom वाली बातें करते हो, वो बहुत inspired हो जाता है आपकी बातों से, it's like उनके अंधेरे में आप light लेकर के आओ, जब कोई नहीं समझ पाता आप समझ पाते हो, so they are like asking questions and they want to know, and I'm hearing कि आपके family में तीन या चार बच्चे ऐसे हैं, प्रॉब्ली आपके छोटे कजिन्स हो सकते हैं या फिर आपके कजिन्स के बच्चे हो सकते हैं जो एक्चुअली स्टासी डेंगू को बच्चे, एंड अब तक बाय नाउ आई एम हियरिंग कि आपने भी शायद उन्हें कहीं ना कहीं पहचान लिया होगा, ये यू नो तीन चार बच्चे मेरे जो कजिन्स हैं एंड ऑल, ये लोग स्टासीड्स है या इंडिगो बच्चे हैं, दे हैव सोल पर्पस, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन होता ना स्टार सीज और इंडिगो बच्चे के, उनके वाइब्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, आपने शायद अभी से उनके अंदर पॉसिबिलिटीज नोटिस कर लिया होगा, उनकी बातों से आपको फील हो गया होगा कि यू नो ये आगे चल के इसका पक्का से यू नो अवेकनिंग वगैरह होने वाला है। सो दीज किड्स आर गोइंग टू बी वेरी मच ड्रॉन टूवर्ड्स यू, बीच में अगर पढ़ाई लिखाई एंड ऑल स्टफ के लिए अगर थोड़ा बहुत उनका ध्यान भटक भी गया, फिर भी ये उनका लाइफ
पाथ है, ठीक है, ये उनका प्रोसेस का हिस्सा है कि उन्हें थोड़ा सा आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा, उनकी भी अपनी फैमिली होगी, ऑफ कोर्स उनका अपना फैमिली है, राइट, मदर साइड फादर साइड पैटर्न्स है, कर्सेस है एंड ऑल दैट स्टफ जिन्हें उन्हें तोड़ना है, और फिर वो आपके पीछे 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 आएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज़ कि आपको शायद पता नहीं है बट देर आर यंग सोल्स, नॉट इन द सेंस कि वो एक्चुअली में यंग सोल्स है, द ओल्ड सोल्स, बट यंग बच्चे हैं जो आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। आपके पीछे एनिमल्स बहुत घूमते होंगे, लाइक आपके सर में बाहर निकलते कैट्स डॉग्स आपको फॉलो करते होंगे जैसे वो मेरे करते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर ऑरा, प्योर सोल्स के पीछे यू नो एनिमल्स जो अबोध होते हैं ना वो अपने आप अट्रैक्ट होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन वी कैरी। सो कीप अ चेक इन ऑल दैट स्टफ, एंड हो सकता है कि आपकी बहन को आपकी ज़रूरत हो एंड शी माइट कॉल यू या मैसेज यू एंड आस्क यू फॉर हेल्प। बट वन थिंग दैट वॉज वेरी प्रोमिनेंट कि उसे एक्चुअली गिल्ट फील हो रहा है बिकॉज शी इज़ रिसीविंग कार्मा। She's, we have nothingness, she's kind of lost, darkness है थोड़ा सा, ठीक है, we have projection, तो वो अपनी insecurities आपके ऊपर project करती है ज़बरदस्त तरीके से, and we have stress, देखो because वो इतना ज़्यादा jealousy में है ना, आप जब भी उन्हें याद करोगे या वो आपको याद करेंगे, you can feel कि उसके तरफ से आपको बहुत ही confusing जेलिस हेट्रेड वाली एनर्जी आ रहा है। आप सेंसिटिव हो, आपको पता है कि लिटरली वो आपको तरफ साइकिक अटैक्स भेजती होगी आउट ऑफ जेलिसी, आपको गिराने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए। इट्स लाइक अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की जगह शी इज़ टारगेटिंग यू। इट्स डिफरेंट दैट यू आर यू नो प्रोटेक्टेड, बट देन आई एम हियरिंग कि वो आपकी तरफ ना कन्फ्यूजन वाला कोई एनर्जी सेंड करेगी, टॉक्सिक वाला, ताकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट ना कर पाओ, आपको डाउनलोड्स ना मिले, लोग आपको फॉलो ना करें एंड आप पद भटक जाओ या आपका जो ग्लो अप है, जो भी आप कर रहे हो वो काम में रुकावट आ जाए एंड समथिंग लाइक दैट। इट्स काइंड ऑफ क्रेजी, सब उसके साइड में है एंड शी नोज इट्स नॉट लव, ठीक है, पर फिर भी वहाँ पर है क्योंकि वो अपने लालच से लड़ नहीं सकती है। आपके पास कंपेरेटिवली उसे बहुत कम होगा पर फिर भी उसकी जो ये नफ़रत है वो कम ही नहीं होती। शी प्रॉब्ली इज़ नॉट सीइंग और अंडरस्टैंडिंग कि आप उसके लाइफ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो और ना ही ये नफ़रत आप डिज़र्व करते हो। शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव एंड प्रॉब्ली वो इस चीज़ को भुला चुकी है, इन सारे सिचुएशंस को, शी इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन यू। आपकी बहन बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकती है, शी डजंट वांट टू सी हरसेल्फ रॉन्ग, बट देन यूनिवर्स तो उसको अच्छा सा दे रहा है यार। यू माइट शी माइट विजिट यू इन योर ड्रीम्स या कंपैरिजन। सी आई टोल्ड यू शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, लोग उठते बैठते शायद उसे आपके साथ कंपेयर करते होंगे। दूसरों का मुंह चुप कराना तो शायद आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करते होंगे, रंग रूप हाइट वेट खाना पीना एडुकेशन हर चीज़ को लेकर के कंपेयर करते होंगे, जिसके वजह से शी फेल्ट रिजेक्टेड ऑन ऑल लेवल्स, उसे शायद गुड इनफ ही नहीं होता होगा और अब इसीलिए वो इतना पागलपंती पर उतर आई है। वो आपको किसी भी हालत में हराना चाहती है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी सीन दैट सम that she is something of importance, कि उसके भी you know solid grounds है, but then वो ये नहीं समझ रही कि आपको गिराने से उसका importance नहीं पड़ेगा। she is functioning from a very hurtful place, she is hurt, she is injured, hurt people hurt people, उसे अपने आप को prove करने की ज़रूरत नहीं है, she is good enough the way she is, बस उसे अपनी इस toxicity से अपने आप को आज़ाद करना होगा क्योंकि वो खुद ही पल पल इस पर जल रही है। It's kind of crazy.
इसीलिए आज ये कार्मिक रीडिंग मैं कर जरूर रही हूँ आपकी बहन के लिए, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा, सॉरी लाइक बुराई करने का मन नहीं कर। यूजुअली कार्मिक रीडिंग में मैं ज़बरदस्त गाली दे देती हूँ, आई डोंट स्पेयर एनी वन, फका वका सब बोल देती हूँ, बट देन यहाँ पर एक्चुअली मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज आई फील दैट शी डजेंट वॉन्ट टू बी लाइक दिस, बट समहाउ शी डजेंट फील एक्सेप्टेड, इसलिए उसके अंदर इतना ईगो है। शी ट्राइज टू बी, आई एम इवन हियरिंग शी ट्राइज टू बी लाइक यू, बट इट डजेंट वर्क आउट बिकॉज यू आर नॉट हर, राइट? इट्स लाइक वो हर एक चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है जो उसे लगता है कि उसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिले, थोड़ा अटेंशन मिले, थोड़ा सा उसे अपने आप में यू नो थोड़ा सिक्योर फील कर सके, बट फैक्ट यही है दैट शी इज़ सफरिंग आउट ऑफ चाइल्डहुड वाउंडिंग। उसका इनर चाइल्ड इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अबैंडनमेंट इशू, फ्रॉम रिजेक्शन, फ्रॉम फीलिंग नॉट गुड इनफ, एंड शी रियली नीड्स सिंसियर हीलिंग। या शी डजेंट वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग विथ यू, वो सब कुछ लूट लेना चाहती है, बट देन इतना सब कुछ करने के बाद भी शी डजेंट हैव इनफ पीस। या मेच्योरिटी रिवर्स्ड, शी इज इमेच्योर, उसे लगता है कि इस तरीके से अपने अंदर सारे इमोशंस को बांध के रखने से शायद दिस इज लाइक बींग यू नो स्ट्रॉन्ग, बट दैट्स नॉट ट्रू। वो जिन इमोशंस को अपने अंदर बांध के रखी है, दे आर टॉक्सिक, दे आर हर्टिंग अप। वो ग्रो अप नहीं कर रही है, अपनी ईगो को डिजर्व नहीं कर रही, शी इज स्ट्रगलिंग टू वेक अप, टू हील। शी इज़ वेरी इमेच्योर इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। आपने देखा होगा शायद आपकी बहन एक्सीडेंट प्रोन हो सकती है, स्पिरिचुअली बहुत वीक हो सकती है। आपने इवन आई एम हियरिंग कि आपने शायद शक भी किया होगा कि अगला नार्सिसिस्ट ये बनेगी, बिकॉज शी कम्प्लीटली रिजेक्टेड हर ऑथेंटिक साइड। वो अपना ऑथेंटिक साइड एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहती, वो इतनी डरी हुई है, बट देन शी डजेंट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर। द गुड थिंग इज शी डजेंट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर। वी हैव सेलिब्रेशन, गिव मी सम मोर मैसेज प्लीज। किस बात का सेलिब्रेशन है? वी हैव पॉसिबिलिटीज, प्रोजेक्शन वापस आना। शी इज जस्ट प्रोजेक्टिंग हर इशूज ऑन एवरीबडी, दैट्स ऑल शी इज डूइंग। शी इज लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज। वो इंजॉय, आपकी बहन पार्टी बहुत करती होगी, थर्ड पार्टी में उलझती बहुत ज़्यादा होगी। वी हैव इंटेंसिटी, दिस वन गुड मैसेज, एंड देन शी इज़ लेजी, उसे अपना काम करना पसंद नहीं। शी इज़ काइंड ऑफ लिटिल नार्सिसिस्टिक, आपके पेरेंट्स के बाद शायद, और शी इज़ बिकम द गोल्डन चाइल्ड, शी इज़ बिकमिंग लाइक योर पेरेंट्स, दिन ब दिन नार्सिसिस्टिक बनती जा रही है शायद, और आपने उसे बचाने की कोशिश भी की होगी। शी वॉन्ट्स टू लुक प्रिविलेज, वो चाहती है कि हर कोई उसका हो कर के काम करते हैं, एंड शी विल वॉक अराउंड राजकुमारी की तरफ, बट एक्चुअली उसका ये जो बिहेवियर है ना, उसे हम्बल होने नहीं देता है। उसके वो अपने अंदर की करुणा को जागरूक नहीं रख पाती है, वो बार बार करके अपनी इंट्यूशन की बात को ना दबा देती है। वो आपने अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ मिल करके वो आपके खिलाफ बहुत कांड किए होंगी। या नाउ शी इज गेटिंग ब्लॉक्ड, यूनिवर्स इज लाइक स्लो डाउन, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। यूनिवर्स अब उसे कार्मा के थ्रू ना उसे वो लीप ऑफ फेथ लेने पर मजबूर करेंगे। शी इज गोइंग टू रिसीव लॉट लॉट ऑफ कार्मा, प्रॉब्ली इसलिए वो अब फाइट नहीं करना चाहती, बिकॉज वो थक चुकी है दूसरों के लिए करते करते। वो आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का बहुत साथ देती होगी,
क्योंकि उसको लगता है कि शायद यू नो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बाद उसे ही सारा कंफर्ट मिलने वाला है, इसलिए वो उनका साइड लेती है और वो आपको रिजेक्ट करती है क्योंकि वो आपके ऊपर सारे टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करती है, राइट। बट अब वो रियलाइज़ कर रही है कि दुनिया भर का सारा प्रॉपर्टी पैसा लेकर कि शी कैंट फाइंड दैट इनर पीस। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग फोर्सफुली टू हर्ट अ प्योर सोल, यू आर डूइंग समथिंग टू हर्ट योर सेल्फ, शांति कहाँ से मिलेगा? आप अपने दिल के खिलाफ जाकर के कोई काम कर रहे हो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को दबा रहे हो, शांति कहाँ से आएगी? देयर इज एक टशन बना है, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ हर। लेट मी गेट मैसेजेस फ्रॉम दिस इज योर कार्मिक सिस्टर जिसकी अवेकनिंग हो रही है, एंड इट्स फाइन। पास्ट पैटर्न बीइंग रिपीटेड, वो पास्ट पैटर्न्स को बार बार करके रिपीट कर रही है, कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट कर रही है, जाके पेरेंट्स ने जो किया, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ने जो किया, अब वो भी उसी दिखाए हुए पथ पे चल रही है। लव इज गॉन, सी मैंने कहा था, शी इज़ रिजेक्टिंग लव, लव इज़ गॉन। लुक बैक ओनली व्हेन यू नीड टू हील एन इश्यू एंड देन क्विकली स्टेप अप। आई टोल्ड यू, उसे हीलिंग की ज़रूरत है, उसे ज़बरदस्त हीलिंग की ज़रूरत है। नाउ आई नो व्हाट यू वेंट थ्रू, आई रिस्पेक्ट योर हसल। वो आपकी जगह पर आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब उसे कार्मा मिल रहा है ना जो उसने आपके खिलाफ किया था। आप शायद बहुत लंबे समय तक यू वो हेटिंग ऑन योर सिस्टर सेइंग कि तुझे कार्मा मिलेगा, बिना बात का तूने मुझे टारगेट बनाया ना, तूने मेरे खिलाफ काम किया ना, यू हेटेड ऑन मी विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, लालच में आकर के, नार्सिसिस्टिक बन के तूने ये सब कुछ किया है ना, तो तुझे एक दिन कार्मा ज़रूर मिलेगा, तुझे सबक ज़रूर मिलेगा। तो उसे सबक मिल रहा है, एंड अब वो कह रही है कि नाउ नाउ आई नो व्हाट यू वेंट थ्रू। अब वो समझ रही है कि आप पर क्या गुजरा है। आई रिस्पेक्ट योर हसल, हसल इज़ लाइक आप जो प्रॉब्ली आप अकेले सारे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको शायद अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा होगा क्योंकि वो सबको आपके खिलाफ कर दी। आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉसेस, शी इज़ गोइंग थ्रू कार्मा, शी इज़ गोइंग थ्रू रियली बैड कार्मा। कुछ भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, शी प्रॉब्ली उसका लाइफ में भी कोई ट्रू लव होगा, कोई सोलमेट कनेक्शन होगा जो उसे वो जिसे वो रिजेक्ट कर दी, वो इस शिट करंट चला गया, वो इस टॉक्सिसिटी में इतना ज़्यादा उलझ गई थी, विच टेल्स मी कि वो इस ऐसे अंधेरे में खो गई है। लाइक लिटरली वो अपनी टॉक्सिसिटी में इतना ज़्यादा उलझ गई है ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज़ वॉट शी सेइंग कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके लाइफ में भी कोई सोलमेट कनेक्शन होगा, यू नो स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन होगा, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा उलझ गई थी इस टसल में, यू नो वैलिडेशन पाने में एंड अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का अटेंशन पाने में, आपके साथ कंपटीशन लड़ने में, इतना ज़्यादा उलझ गई थी कि वो अपने प्यार को ही रिजेक्ट कर बैठी, वो अपने आप को रिजेक्ट किया, अपने सोल का सोलमेट कनेक्शन को रिजेक्ट कर बैठी। उसके लाइफ में भी कोई स्पिरिचुअल पर्सन आया होगा जिसके साथ उसको यू नो आगे बढ़ना था, उसका ड्रीम कम ट्रू, उसका यू नो जिसे कहते हैं ना हम वन एंड ओनली, पर वो ये सब में इतना ज़्यादा यू नो शी वॉज सो डाउन विथ ऑल दिस कि प्रॉब्ली शायद गलती से वो अपने बॉयफ्रेंड को भी हर्ट कर दी होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्स जिसने उसके साथ गेम खेला है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट पर्सन। प्रॉब्ली बाद में वो अपने ट्रू लव से मिली और जैसे वो सबके साथ प्लेयर प्लेयर बन रही थी, वो प्रॉब्ली गलती से अपने ट्रू लव को भी हर्ट कर दिया, एंड शी लॉस्ट द लव ऑफ अ लाइफ। और अब वो दूसरों के साथ रहने की कोशिश करती है, रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करती है, अपना करियर बनाने की कोशिश करी, बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट बिकॉज शी सपोज टू बी विद द लव ऑफ अ लाइफ। उसे उसे उसके प्यार के साथ होना था,
पर वो अपनी गलती को रेक्टिफाई करने की जगह वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से गलत जा रही है। वो अपने आप को हील नहीं कर रही, वो अपनी हीलिंग से भाग रही है। आई एम हियरिंग कि उसका जो ट्रू लव है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं उसके लिए वेट कर रहा है। तो शी हैज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इन हर लाइफ। वो प्रॉब्ली आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके ट्विन फ्लेम के बीच में भी आग लगाई होगी। वो आपके प्यार में आग लगाई, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपको हर्ट किया, ठीक है। आई एम हियरिंग कि आपके ट्विन फ्लेम को बेइज्जत किया और अपने खुद के ट्रू लव को भी वो हर्ट करके खो दे। सही बात, जस्ट व्हेन आई सेड दैट इट ऑल लाइंड अप। वो आपको हर्ट की, आपके अदर हाफ के साथ आपका सेपरेशन में उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है, आपके अदर हाफ को भी वो इंसल्ट की और अपने ट्रू लव को भी वो खो दी अपने इन टॉक्सिक बिहेवियर्स की वजह से। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट होना चुनी, शी रिजेक्टेड लव, आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉसेस एंड शी इज़ कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू लॉसेस। प्रॉब्ली वो पैसा कमाती होगी, पैसे के तरह बह जाता होगा। वो आपसे आपका प्रॉपर्टी ले ली, वो आपको धकेल के दूर कर दी, प्रॉब्ली आप अकेले हो गए हो, ठीक है। बट आपने अपने आप को संभाल लिया बिकॉज़ यू वर इनोसेंट, आपने ऐसा कुछ किया नहीं था, ठीक है। यू वर्क योर सेल्फ आउट, बट आपका अपना रख के आपका सब कुछ लेकर भी उसके लिए इनफ नहीं था। वो फिर भी चीज़ों को पकड़ के नहीं रख पा रही बिकॉज दैट्स हर कार्मा एंड शी इज़ गिल्टी, शी इज़ गिल्टी। कैसे मैसेजेस लाइन अप हो जाते हैं ना। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने अगले वीडियो पे। एंड मेरा सजेशन याद रखियो कि अगर आप उनसे बात कर सको, उसे याद दिलाना कि उसके चाइल्डहुड वुंडिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है एंड शी नीड्स सॉलिड हीलिंग फॉर दिस। शी नीड्स टू एड्रेस, हीलिंग से भागने से कुछ नहीं होगा। शी प्रॉब्ली विल रीच आउट टूवर्ड्स यू। ओके, अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।